सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है यार आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेली गेमिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए लाल बटन को तोड़ के और बेल आइकन को फोड़ के फटाफट यार सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बीजमाई के साथ। तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि क्राफ्टन प्लानिंग कर रही है एक एंटी हैक सिस्टम पर, एंड रिसेंटली क्राफ्टन ने विद इन वन वीक में 3,36,736 अकाउंट्स को बैन किया इन टर्म्स ऑफ हैकिंग। एंड आगे भी क्राफ्टन हैकर्स के अगेंस्ट एक्शन लेते रहेंगे फॉर बेटर एनवायरमेंट। अब बात कर लेते हैं माइलस्टोन के बारे में। तो 8-bit अक्षु ने कंप्लीट कर लिए 200 के सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, स्नैक्स ने कंप्लीट कर लिए 300 के फैन फॉलोइंग ऑन लोको, सिड ने कंप्लीट कर लिए 100 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर। तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल थ्री ऑफ देम। अब बात कर लेते हैं ब्रेक के बारे में। मावी ने फर्स्टली ब्रेक लिया स्ट्रीमिंग से 2 दिन का, एंड अब वो डायरेक्टली SCTL बूटकैंप जाकर के स्ट्रीम करने वाले हैं। सेकेंडली मॉर्टल ने ब्रेक लिया 1 दिन का कॉज ही इज ट्रैवलिंग टू होम। थर्डली जोनाथन ने अपडेट दिया कि ये उनका लास्ट डे स्ट्रीमिंग का, क्योंकि उनकी टीम अनाउंसमेंट भी आने वाली है, तो तैयारी भी करनी है, स्क्रिम्स भी खेलना है। जब भी यार वो वापस आएंगे वो सरप्राइज स्ट्रीम जरूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं श्राउड के बारे में। तो रिसेंटली श्राउड ने यार अपना ओपिनियन दिया ऑन बेस्ट BR गेम। तो काफी लोगों को यार एक्सपेक्टेशन थी कि श्राउड CS:GO को बेस्ट बैटल रॉयल गेम कहेंगे, बट यार श्राउड ने कहा कि कैजुअल प्ले के लिए एपेक्स लेजेंड एंड कॉम्पिटेटिव के लिए फोर्टनाइट है, इनफैक्ट वॉरजोन से भी आगे। वेल दिस मेड फैंस अ बिट शॉक्ड। अब वहीं पे बात एपेक्स लेजेंड की हो रही है, तो एपेक्स लेजेंड बन चुका है ट्विच का नंबर 1 ट्रेंडिंग गेम। अब बात कर लेते हैं श्रीमान लेजेंड के बारे में। तो रिसेंटली श्रीमान लेजेंड ने सभी फैंस के लिए कुछ लाइंस कही हैं, वो सभी बेस्ट चीज में से एक बेस्ट चीज जो बताना चाहते हैं। सोचे यार वो क्या हो सकती है, तो थोड़े टाइम बाद उन्होंने रिवील करा कि सबसे बेस्ट चीज है आपके कमेंट्स पढ़ना, कैसा भी मूड हो सब फ्रेश हो जाता है। अब बात कर लेते हैं टीम टपटप के बारे में। तो रिसेंटली टपटप ने ओल्ड मेमोरी शेयर करी, जो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। कुछ भी हो जाए टूर्नामेंट के एंड में आपको NTD का नाम ही दिखेगा किल फील्ड में, और जो किल पॉइंट्स रहेगा सबसे ज्यादा NTD के किल्स रखेंगे उसमें। Also, मेमोरी की बात हो रही है, तो 1 साल पहले OR was inches away from victory on this day, and Scout and बाकी सभी प्लेयर्स ने वो मेमोरी वापस से चेरिश करी। वही एंटिटी ने भी उनकी मेमोरीज पर रिएक्ट किया। अब बात कर लेते हैं टीम INGL के बारे में। तो फर्स्टली मिस्टेक ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने INGL लीव कर दिया है। सेकेंडली मयूर की ये चैट देखने को मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि मेरा तो यार कैरियर खत्म हो गया, अब अपना देखो। वेल ऑल्सो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने को मिला INGL की तरफ से। ऑल्सो इसके बारे में जब स्काउट की लाइव चैट में स्पैम हो रहा होता है, तो स्काउट ने ये कहा कि वो नहीं जानते INGL मयूर कौन है, उनको बस इतना पता है कि INGL एक T1 टीम है। और इस सिनेरियो पर क्लच गॉड ये कहते हैं कि हैकर्स को भी अब कॉम्पिटिटिव खेलना है, रियल प्लेयर्स नहीं बचे। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो स्काउट के बारे में यार काफी सारी न्यूज है। तो रिसेंटली स्काउट ने उन लोगों पर बात करी जो सजेशन देते हैं, एंड स्काउट ने ये कहा कि वो होप करते हैं कि एक दिन जो लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं वो सेम स्टेज पर आकर के सेम चीजों से गुजरे, एंड फिर जाकर के समझे कि यार ये कितना इफेक्ट करता है। और सर रिसेंटली उन्होंने एक रूल के बारे में बात करी थी जो ई-स्पोर्ट प्लेयर पर लागू होता है कि कोई भी गेम जब लूज करे तो नेक्स्ट 15 मिनट तक इग्नोर करो, क्योंकि वो रेस टाइम होता है। बट इन 15 मिनट्स के बीच यार वो काफी रेज कर जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यार काफी मैनिपुलेट करके और गलत वे में चीजों को शो किया, लाइक अब्यूजिंग टीममेट्स, एंग्री ऑन मावी, एंग्री ऑन मॉर्टल, एंड और भी यार काफी सारी चीजें, जिससे वो गेम पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे, कॉज ऑन क्लिप से हेट जनरेट हो रहा है, एंड वो स्ट्रेसफुल भी नजर आ रहे हैं। वेल लेट्स होप कि यार वो जल्दी कमबैक करें। स्काउट फैंस उनको DM में हार्ट स्पैम करो एंड पॉजिटिव कमेंट्स करो, ताकि ये नेगेटिविटी यार खत्म हो जाए। ऑल्सो स्काउट की बात हो रही है, तो अब बात कर लेते हैं स्काउट की रिसेंट लाइव स्ट्रीम के बारे में, जहां पर स्काउट ने बात करी क्लच गॉड और स्मोकी के बारे में। एंड ये कहा कि क्लच गॉड अभी के टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट IGL है, कॉज ही नोज टीम को कैसे जोन एंट्री देनी है, हर फाइट वो स्मार्टली फाइट करते हैं। एंड अबाउट स्मोकी, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन कम्युनिटी, क्योंकि वो तब से जब स्काउट एंटर किए थे कम्युनिटी में, एंड स्काउट को रिसेंटली कहा जाता है कि IGL चेंज करो, तो स्काउट इस पे ही कहते हैं कि मावी वन ऑफ द बेस्ट IGL है जो IGLing करेगा, बाकी वो सब असॉल्टर और सपोर्टर ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो रिसेंटली मॉर्टल ने अपनी न्यू हाईलाइट वीडियो का टाइटल रखा मॉर्टल लीविंग सोल, एंड उन्होंने काइंड ऑफ ये एक प्रैंक किया, एंड द वे पब्लिक रिस्पॉन्डेड वॉज एक्सपेक्टेड, एंड काफी प्यार भरे कमेंट्स आए, लाइक मॉर्टल इज सोल ऑफ टीम सोल, एंड मॉर्टल लीविंग सोल इज लाइक BGMI विदाउट गन्स। वेल एवरीथिंग वॉज जस्ट OP. अब बात कर लेते हैं वाटर सिटी ड्रॉप के बारे में। तो स्काउट से भी पूछा जाता है कि क्या सोल आने वाले टाइम में ड्रॉप लीव करेगी, तो स्काउट बताते हैं कि ड्रॉप चेंज नहीं होगा। एंड अभी सीन ये है कि जिसको गन मिलती है वो मार देता है, बट वो और उनकी टीम प्लान कर रही है आराम से लूट करके फिर फाइट लेने का स्ट्रेटेजी के साथ। अब बात कर लेते हैं डायनेमो के बारे में। तो रिसेंटली डायनेमो इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, एंड उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से 5 अपडेट्स देखने को मिलेंगी, एंड एक उनमें से है कि बूटकैंप बन रहा है, बाकी धीरे धीरे पता चलेंगी। ऑल्सो डायनेमो के साथ हमें करमवीर शर्मा भी लाइव देखने को मिले, जहां उन्होंने यार काफी सारी बातें करी रिगार्डिंग उनकी ट्रिप एंड ऑल। तो बस यार यही थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट। बाकी यार मैं भी चलता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना रेक्स साइनिंग ऑफ।